हेलो दोस्तों, चाय पी लो। आज हम जा रहे हैं ब्रह्मणी मंदिर, जो कि हनुमानगढ़ जिले के रावसर तहसील में एक पल्लू कस्बा है, उसके अंदर ब्रह्मणी मंदिर है। और मेरे भाई का वहाँ पर पल्लू में एक पेपर है नवोदय का, और हम साथ में नवोदय के पेपर देने के बाद में हम व्लॉग बनाएंगे अपना। नमस्कार दोस्तों, हम पल्लू के माता के मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। और माता के मंदिर के पहले ये साधुला जी का जो मंदिर है, इसकी धोख लगती है। और ये देखिए, ये साधुला जी का मंदिर है। यहाँ पर इनके पंडित जी बैठे हैं। मान्यता है कि अगर आप साधुला जी के मंदिर की अगर धोख नहीं लगाते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो पाती है। और जो ब्रह्मणी माता का जो मंदिर है, उसकी जो यात्रा है वो बीच में ही रह जाती है। चलिए हम आगे चलते हैं। नमस्कार नमस्कार। हम आपके बारे में और इसके ये जो ब्रह्मणी जी माता का मंदिर है, इसके बारे में आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। आप इसके बारे में पूर्ण जानकारी दीजिए, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरजन सिंह भाटी है, मैं माता जी मंदिर का पुजारी हूँ। ये मंदिर संबत 1365 से है यहाँ पे, और हमारे पूर्वजक गिगासर से आए थे भोजराज जी भाटी, संबत 1365 में यहाँ पे। नीचे एक खेजड़ा है माता जी के नाम से प्रसिद्ध, यहाँ पे आके उन्होंने राम किया तो रात को माता जी ने दर्शाव दिया उनको,
उनको लगा कि कोई भूत प्रेत आ गया, उनको आवाज़ सुनाई दी। तब उन्होंने कहा कि माता, अगर माता हो मेरे सामने आके दर्शाओ दो, मेरे घोड़े गमे वो मिल जानी चाहिए मेरे को। तो माता ने बताया कि तुम्हारे पास ही मिल जाएंगे यहीं पे। तो उन्होंने बोल, अगर मिलेगा तभी विश्वास करूँगा, ऐसे मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो उनको वहाँ पे सुबह देखा तो उनके पास खड़े थे घोड़े, मिल गए। फिर माता ने कहा कि मैंने आपको पहले बचनों से बंधे हूँ पिछले जन्म में, अभी आगे मेरी सेवा करनी है आपको यहीं पे। तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, पूरा वन उजाड़ पड़ा है, राक्षस है, मैं अकेला कैसे रहूँगा, क्या खाऊँगा, मेरे को यहाँ पे राक्षस है खा जाएंगे। फिर मैं उनसे बात हुई, माता बोली मैं तेरी रक्षा करूँगा, तू रह, तेरे को सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। फिर उन्होंने बातचीत की, उनके बाद में उन्होंने बोला मैं पीछे वापस जाऊँगा अपने गाँव गिग्गा से, अपने परिवार से सबसे बातचीत करके फिर मैं वापस आऊँगा। तो माता ने फिर वरदान दिया, चलो ठीक है जा। वो वहाँ जाने के बाद में एक बार भूल गए थे, फिर माता ने वहीं पे दर्शाव दिया उनको दोबारा कि चल तू मेरी वहाँ पे पूजा कर। तब आके यहाँ पे उन्होंने माता के दोबारा आया वापस और यहाँ पे पूजा स्टार्ट की सम्मत 1365 से। तब से हमारे परिवार 1365 से चलता आ रहा है। दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी का कुआ भी है, उसी समय भोजराज जी को दिया था प्रचार, जिस समय पानी नहीं था पीने के लिए, जब माता ने कहा था वहाँ पे एक सील साइड में करो, वहाँ नीचे कुआ निकलेगा, उसमें मीठा पानी निकलेगा, वो वहीं पे तब से ही आता है, वही जल आता है मंदिर के अंदर, उसी से स्नान कराते हैं मंदिर में माता का, सबको वही देते हैं जल आते हुए, जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको। यहाँ आने वाले सबसे पहले साधुला जी के मंदिर में दर्शन करके आए, पहले धोख वहाँ लगती है साधुला जी मंदिर में, उसके बाद में यहाँ पे माता की लगती, माता की अगवानी है वो, माता का वरदान दिया हुआ, जो भी यात्री आएगा वो पहले वहाँ दर्शन करके फिर यहाँ पे आएगा, तभी उनकी धोख मान्य करेगी माता। जय माता दी। पंडित जी मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा, आप यहाँ पे कितने बजे मंदिर खुला रहता है और कितने बजे इसकी आरती होती है सुबह शाम की, और वो पूरा जानकारी हमें दीजिए। मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है, 7 बजे सुबह आरती होती है और 7 बजे शाम को आरती होती है, शाम को 9 बजे मंगल होता है मंदिर। सुबह 5:30 खुलता है, 7 बजे आरती होती है सुबह की, और शाम की आरती 7 बजे होती है। और यहाँ पर मेला कब लगता है? मेला चैत और आसोज में नवरात्रों में मेला लगता है यहाँ पे। धन्यवाद पंडित जी, जय माता बलि करे। रावसर ज़िले के एक पल्लू कस्बे में जहाँ पर बरमाणी माता का मंदिर है, इस बरमाणी माता के मंदिर के पास यहाँ पर जो पल्लू कस्बा है, इसके पुराना नाम जो था कोटकल्लूर के नाम से इसे जाना जाता था। चंद्रवंश के जो राजा थे गणपत राज, उन्होंने आबू के राज्य करते थे और उनके 9 पुत्र थे, जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम कल्लूर था। तो कल्लूर ने ऋषि मारखंडे के आदेश अनुसार माता की आराधना की, जिससे माता प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि तुझे क्या वरदान चाहिए। तो कल्लूर जी ने कहा कि मुझे एक मेरे पिताजी के अलावा एक और राज्य स्थापित करना है और मैं एक राज्य स्थापित करना चाहता हूँ। तो जो पल्लू कस्बा है यहाँ पर, उन्होंने अपनी एक नींव स्थापित की और नींव स्थापित करके एक बड़ा सारा एक किला बना लिया, जिसमें 4 तो बड़े बड़े गेट थे और 88 बीघा का जो था उसका पूरी सीमा थी। और थोड़े दिनों बाद में जब चंद्रवंश के रंगमहल में एक राजा था, उनके जो पुत्र थे लाखा लाखा, तो पत्र भिजवाया कि हम आक्रमण करेंगे थोड़े दिनों में। और उसे जो लाखा था, उसे भगवान शिव के अनुसार उसे एक शक्तिशाली वरदान प्राप्त था कि अब आप ही जीतेंगे इस युद्ध में। तो फिर कल्लूर डर गया और माता की आराधना की। माता की आराधना कर जब माता प्रकट हुई तो माता ने कहा इस बार तेरी जो हार है वो निश्चित है। और हार निश्चित होने के बाद में उन्होंने वह कहा कि अब इसे तू किले को छोड़कर बाहर निकल जा, ताकि मैं इस किले को विध्वंस कर दूं। जब विध्वंस कर दिया, उसके बाद बीकानेर के जिले में एक गीगासर नामक एक गाँव में चंद्रवशी ठाकुर के घर पर भोजराज नामक एक पुत्र पैदा हुआ। जो पुत्र था वह माता और पिता की जो बहुत आज्ञा मानता था, और वह जब अपने घोड़ा और घोड़ियों को चराने के लिए इधर उधर जाया करता था। एक बार क्या हुआ कि पल्लू के इधर जाए बीकानेर में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल के बाद में वो घोड़ियों को चराने के लिए थोड़े आगे चलते रहे और थोड़ी देर बाद में यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर पहुँचने के बाद में थेड़ के पास उनकी जो घोड़ी थी वो गुम हो गई थी और वो आगे चल पड़ी थी।
तो जो आगे चल पड़ी, तो उसके बाद में वह पूर्ण तरह से थक गए थे और एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे आराम करने लगे थे। खेजड़ी के पेड़ के नीचे आराम करते वक्त अचानक ऊपर से आकाशवाणी हुई, मेरे पास चला, तू मेरी सेवा करने लग जा। तो सेवा यह सुनकर वह पूरा घबरा गया और रोने लगा। तो आकाशवाणी में कहा कि मैं तुम्हारी माता हूँ जिसकी तुम आराधना करते हो, तो तुम मेरे पास चले आओ। भोजराज नामक उस व्यक्ति को पूर्ण अनुमान हो गया कि हाँ, मेरा पहले जो जन्म था वह कोट कल्लूर के नाम से था और कोट कल्लूर में उन्होंने अपने जो राज्य था वो स्थापित किया था, जिसे विध्वंस कर दिया था। फिर जो माता थी, माता ने यहाँ पर आने पर कहा कि इधर उत्तर साइड में एक वो कुआ है, उस पर एक शिला है, उस पर शिला को निकाल देना और यहाँ पर स्थापित कर लेना। और उसके बाद में यहाँ पर मंदिर स्थापित हो गया। और फिर जो थे भोजराज भाटी थे, तो उन्होंने भाटियों ने यहाँ पर कहा कि अब तू ही मेरी यहाँ पर सेवा करेगा। वह कुआ आज भी निर्मित है वहाँ पर और उसी कुएं के पानी से यहाँ पर पूजा की जाती है। कथा हमारे पंडित जी ने आपको सुना दी है, तो धन्यवाद। ये वही खेजड़ी का पेड़ है जो आप सामने देख पा रहे हैं, यहीं पर माता प्रकट हुई थी।